कि तहसील परिसर में और ग्रामीण न्यायालय परिसर में कोई भी पुलिस का कर्मचारी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर शुक्रवार को धौलाना के अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। ये प्रदर्शन है हमारा जो 29 तारीख में 29 अगस्त को जो है पुलिस ने हमारे सम्मानित अधिवक्ता साथियों के साथ में हापुड़ में अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की है पूरे प्रदेश में और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज पुलिस वालों के खिलाफ जो है पुलिस विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और यहाँ से ग्राम न्यायालय से उनको बाहर कराया गया है और जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन और ये इस तरीके की ही अधिवक्ता करते रहेंगे। इस दौरान वकीलों के खिलाफ दर्ज FIR को अधिवक्ताओं ने रद्द व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। सड़क पर उतरे अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता धौलाना की सड़क पर उतरे और नारेबाजी करते हुए पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। हमारी यह मांग है कि तहसील परिसर में और ग्रामीण न्यायालय परिसर में कोई भी पुलिस का कर्मचारी हमको दिखाई नहीं देना चाहिए और ये हमने अधिकारियों को अवगत करा दिया है दोनों तरफ कि भाई कोई वर्दी वाला हमें परिसर में ना दिखाई दे, अन्यथा फिर दिखाई देगा तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, हम नहीं कह सकते। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं जिन्हें रद्द किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन करने का मामला यह है कि 29 तारीख में हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उनको इतनी बुरी चोटें मारी हैं कि जिससे कि वो घायल हैं और उनका इलाज बाहर चल रहा है, कोई मेरठ एडमिट है, कोई हापुड़ एडमिट है। इसके बावजूद भी पुलिस वालों की तानाशाही इतनी हैवी है कि उन्होंने 3-3 मुकदमे अधिवक्ताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं, जबकि अधिवक्ताओं की तहरीर पर एक भी मुकदमा पुलिस प्रशासन ने नहीं किया है। पुलिस प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ सभी अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली के समस्त अधिवक्ता सब इसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्यायालय हो, तहसील हो, कहीं भी हो, पुलिस प्रशासन की एंट्री बिल्कुल बंद कर रखी है। बार काउंसिल का जैसा भी निर्देश होगा और आगे जो भी निर्णय निकलेगा उस निर्णय के साथ में हम रहेंगे। फिलहाल हमारा आंदोलन चल रहा है, यह अनिश्चितकालीन आंदोलन है, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा।